अलीगढ़ में सैकड़ों ऑटो चालकों ने अचानक हड़ताल कर दी और हंगामा करते हुए सड़क पर उतर आए। पहले कुवारसी चौराहे पर उन्होंने हंगामा किया, वहां पुलिस से नोकझोंक के बाद सैकड़ों ऑटो चालक बीजेपी सांसद सतीश गौतम के विद्यानगर स्थित आवास पर पहुंच गए, जहां ऑटो चालकों ने जमकर हंगामा काटा। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस ने पिछले कई दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया है। देहात का परमिट होने के कारण शहर में नो एंट्री कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर ताला नगरी से आगे ऑटो बढ़ जाता है तो उनका चालान किया जा रहा है। ऑटो चालकों का आरोप है कि हजारों रुपए के चालान से परेशान होकर कई ऑटो चालकों के पिछले काफी दिनों से घर पर ही खड़े हैं, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। वहीं इस मामले पर सांसद सतीश गौतम ने ऑटो चालकों को शांत कराते हुए आश्वासन दिया है, शाम को पुलिस प्रशासन से बात कर समाधान निकाला जाएगा। आगे सांसद ने यह भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे और ऑटो चालकों के चूल्हे भी जलते रहें। वहीं तीखे अंदाज में सांसद ने यह भी कहा है कि कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं लेगा। गौरतलब है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को निर्देशित किया गया है कि उनका जहां पर परमिट है वहीं चलाएं, अन्य क्षेत्र में एंट्री ना करें अन्यथा कार्रवाई होगी। वहीं ऑटो चालकों की हड़ताल से आम जन काफी परेशान होने लगे हैं। तीन दिन से मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को पकड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, कुछ खींच करने की धमकी देते हैं। मेरी गाड़ी बाहर लोग का फैमिली उनको मैं चला रहा हूँ, अकेले चला रहा हूँ मैं, और तीन दिन से मेरी गाड़ी पर गाड़ी घर पर खड़ी हुई है। पता ही हम लोग कहाँ पे जाएं, कैसे गए, कैसे किस चीज़ में करें, कहाँ से अपने घर के बच्चों को पेट पाले। गाड़ी सब पुलिस वाले कर रहे हैं, ये कह रहे हैं परमिट की वजह से, जहाँ का परमिट है अपनी गाड़ी वहाँ ले जाइए। मैं रहने वाला पी एस सी गाँव सैनिक का 20 साल से रह रहा हूँ मैं, और ये लोग कहते वहाँ जाओ, हम कैसे जाए, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। हम लोग ऑटो चालक हैं और 20 दिन से हमारी गाड़ियां नहीं चलने दी जा रही हैं, सीज हो रही हैं गाड़ियां रोज। ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, सीज कर रहे हैं, हैं चालान कर रहे हैं। एक एक महीने में 30-40 हजार रुपए के चालान है हमारे, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहा है और गाड़ियों को सीज कर रहे हैं पकड़ पकड़। ना तो हम तक कागज पूछते हैं, ये कहते हैं आपके हमारे अतरौली परमिट की गाड़ियां हैं और ताला नगरी पे हमको गाड़ियां रोकी जा रही हैं और पकड़ पकड़ के बंद करी जा रही हैं। बोले ये देहात का परमिट है, उधर ही गाड़ियां चलेंगी। बात ऐसी है भैया, बस वाले को आरसी तक पुलिस वाले हाथापाई भी करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं। अभी एक लड़का आया यहाँ, उसका तो हाथी तोड़ दिया है मारते मारते। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।